फिलहाल इस वीडियो से सबको मालूम हो जाएगा कि इस समय कहाँ पे हैं। इस यात्रा में जो दर्द मिला है भगवान, क्या बताएं आपको। पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा, कर रहे हैं कुछ और, हो जा रहा कुछ और, कभी कभी अच्छा हो रहा तो कभी कभी बुरा हो रहा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, हैप्पी यात्रा चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं और दिल्ली की सड़कों पर निकल दिए हैं। हमको डर है कहीं ट्रैफिक में फंस ना जाए, इसलिए पहले ही निकलना है। चलिए बने रहिए इसी तरह से। अभी हम इस गली में वहाँ पे रुके हुए थे, अब यहाँ से निकल दिए हैं। तो दोस्तों अभी आ गए हैं मेट्रो स्टेशन पे, अब यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग। अभी हैं राजीव, क्या नाम है इनका, राजीव चौहान। तो दोस्तों हम लोग रूम से यहाँ तक आते आते करीबन 1 घंटे का टाइम लग गया। ये वाला जाए, अरे साथ में ना होता तो हमको ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ होता, लेकिन थोड़ा सा आसान हो गया रास्ता। इनको भी ज़्यादा पता है नहीं, लेकिन फिलहाल दो लोग थे इसलिए जल्दी जल्दी हो गए। बाहर निकलते ही पता चल रहा है कि बारिश हो रहा है, हल्की हल्की बारिश हो रही है अभी यहाँ पे। चलो चलते रहो, इतना ज़ोरदार बारिश हो रही है, दिखाई नहीं दे रहा कैमरे में। बारिश भी हल्की हो गई लेकिन अभी भी बारिश हुआ है। हम लोग आ गए यहाँ। दोस्तों जैसे लिफ्ट पे हम लोग चढ़े तब तक लिफ्ट ही खराब हो गया। हमें बोलवा के ना चालू करो, चालू करो। फिलहाल हम लोग पहुँचने वाले। दोस्तों इस मुस्कान के पीछे बहुत गहरी बात छिपी हुई है। अभी जिस ऑटो में जा रहे हैं, इस ऑटो का 300 रुपये भाड़ा दिए हैं और मुश्किल से 4-5 किलोमीटर जाना था। मेरी ट्रेन गई छूट और इस वजह से मुझे काफ़ी दर्द का सामना करना पड़ा, बहुत भटकना पड़ा। और इस गाड़ी में, जिस गाड़ी में अभी बैठे हुए हैं, ठूस ठूस करके इसमें बैठे हैं। यह लगभग 4 घंटे का हमारा सफ़र है। इस 4 घंटे में हमारा क्या क्या हाल हो गया कि क्या बताएं। फिलहाल अभी हमको जहाँ पे जाना था वहाँ तो नहीं पहुँच पाए, बट ये दूसरी जगह है और यहाँ पे आ गए हैं। और यहाँ चलिए आप लोगों को थोड़ा सा टूर कराएंगे, यहाँ का यात्रा कराएंगे, लेकिन क्या कराएं कैसे कराएं कुछ समझ में नहीं आता है। फिलहाल आप लोग इंजॉय करिए वीडियो में, लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। अभी दोस्तों हम हैं जयपुर में और चल रहे हैं हवा महल, तो वीडियो में इस तरह से बने रहिए। चलिए निकलते हैं और यहाँ का रास्ता, यहाँ की गलियाँ, यहाँ का मार्केट, और शाम का समय है तो थोड़ा सा नज़ारा भी कुछ अलग है। और आज का जो हमारा यात्रा रहा है इसके बारे में बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, लास्ट तक बने रहिए। तो अभी जा रहे हैं हम लोग घूमने हवा महल, हवा महल जा रहे हैं। शाम हो गया है, शायद बंद हो गया होगा, बट वहाँ पहुँचने के बाद देखते हैं क्या होता है। टूर करते करते पहुँच गए इस समय राजस्थान, जो कि शायद अभी किसी को पता नहीं है। यार इस वीडियो सबको मालूम हो जाएगा कि हम कहाँ पे हैं। तो दोस्तों अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं, क्योंकि सुबह 6:30 बजे निकले हैं और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते पूरा 12 घंटे का सफ़र हमको करना पड़ा। अभी इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन बहुत सारे रीज़न है। अभी फुर्सत में आप सबको सब कुछ बताते हैं कितना आज हमको प्रॉब्लम हुआ है। दोस्तों यह है हवा महल जो कि बंद हो गया, इसके अंदर नहीं जा सकते, बाहर से ही देख लेंगे कुछ इस तरह से। पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा, कर रहे हैं कुछ और, हो जा रहा कुछ और, कभी कभी अच्छा हो रहा तो कभी कभी बुरा हो रहा। फिलहाल आज ना तो अच्छा कह सकते ना तो बुरा कह सकते हैं, बट ये है कि प्रॉब्लम काफ़ी हुआ हमको। बस में ट्रैवलिंग करना एकदम हालत ख़राब हो जाता है, क्योंकि बस में थोड़ी सी हमको चक्कर भी आती है और उल्टी वगैरह होने लगता है। बट आज बच गए, उल्टी तो हुआ नहीं, लेकिन सर में दर्द और चक्कर ये सब आ रहा था, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम हुई है, लेकिन सब कुछ निकल गया। और यहाँ आने के बाद बहुत सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा देख करके। और यहाँ पे बिल्कुल आने का प्लानिंग नहीं था, कहीं और जाने का प्लानिंग था। हमारा टिकट था 8:40 पे दिल्ली से। दोस्तों अभी एक धर्मशाले में रुके हुए हैं और देख सकते हैं किस तरह का ये रूम है। मेरे पास एक छोटा सा बैग है, और बैग ये छोटा सा ही बैग इतना आज भारी मुझे लग रहा था, मन कर रहा था कि कहीं इसको फेंक दें, लेकिन इसमें मेरे कपड़े हैं इसलिए इसको लेकर के आना पड़ा। और आज का जो यात्रा रहा बहुत ही कष्टदायक था, फिलहाल इसको नहीं भूल पाएंगे। ट्रेन छूटने की वजह से मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुआ, और ट्रेन नहीं छूटी होती तो आज कहीं और होते, हमको कहीं और जाना था, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। और यहाँ पे हमको मजबूरी में आना पड़ा, और यहाँ पे आए तो सोचे कि थोड़ा सा ब्लॉगिंग कर लें, घूम लें, लेकिन कुछ भी मन ही नहीं कर रहा था, क्या वीडियो बनाएंगे। जब दिमाग सही रहता है तो अच्छा लगता है वीडियो बनाने में। फिलहाल कोशिश किए थोड़ा बहुत वीडियो बनाने का,
और प्लानिंग है कि सुबह जल्दी जगेंगे और फिर यहाँ का मार्केट पूरा कवर करेंगे। और जो इस वीडियो में देखे हैं आप हवा महल, इस हवा महल के अंदर भी जाने का सोच रहे हैं, देखते हैं सुबह क्या होगा। फिर कुछ और जगह है घूमने वाली तो वहाँ पे चलेंगे, वो सारा सब कुछ कवर करने के बाद दोपहर के टाइम यहाँ से फिर हम निकल देंगे। जहाँ हमको जाना है वहाँ जाने के लिए ट्रेन तो फिलहाल मुश्किल है, ट्रेन मिलेगा नहीं फिलहाल, अभी नेट वगैरह पे सर्च करेंगे और ट्रेन नहीं मिलेगा तो फिर बस पकड़ेंगे, बस पकड़ करके फिर वहाँ पे जाएंगे और फिर वीडियो बनाएंगे, ब्लॉगिंग करेंगे। थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करिए, समझ सकते हैं अकेले इस तरह से इतना लंबा यात्रा करने में बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। इस तरह से कैसे इतना सोच लिए, इतना हिम्मत कर लिए, हमको खुद नहीं समझ में आ रहा है। आज तो दिल्ली में मन नहीं कर रहा था कि वापस घर पे चले जाएं, एकदम टूट चुके थे। जब ट्रेन छूट गई फिर बारिश होने लगा, मेरा सूज पूरा भीग गया और सॉक्स भीग गया, इतना प्रॉब्लम, इतना गुस्सा भी लग रहा था, अपने आप पे ही लग रहा था। सुबह जल्दी जगने के बावजूद ट्रेन मेरी छूट जाती है, सब कुछ सही चल रहा था, बस थोड़ी छोटी सी मिस्टेक हो गई कि हम दूसरे स्टेशन में पहुँच गए और हमको जाना था रोहिल्ला करके कोई स्टेशन था और उस न्यू दिल्ली लिखा हुआ था। तो भांजे ने बोला कि अरे मामा यही है, इसी स्टेशन से गाड़ी मिलेगी, तो हम भी ऐसे बिंदास हो गए। हालांकि उसकी भी गलती नहीं थी अब, लेकिन हो गया, मिस्टेक तो हो गया, इस वजह से काफ़ी नुकसान भी हुआ, पैसे का भी नुकसान हुआ, टाइम का भी नुकसान हुआ और जो दिमाग ख़राब हुआ वो तो अलग से ख़राब ही हुआ। फिलहाल अभी रेस्ट कर रहे हैं, पूरा एकदम थकान हो गया है, बस में ट्रैवलिंग करने की वजह से काफ़ी दिक्कत हुआ, तो अभी सोएंगे। इस समय 10:30 बज रहा है, भोजन भी हो गया, भोजन क्या करेंगे, हल्का फुल्का भोजन किए हैं। और सबसे गंदा यहाँ पे लग रहा ना, इतना गंदा रूम है, बस खाली नहीं था, मिल गया इस वजह से ले लिए। हम सोचे रोड पे सोने से अच्छा है चलो भाई छत के नीचे सो लेते हैं। देखिए क्या हालत है, यहाँ पे गुटके खा खा करके थूके से चारों तरफ दीवार, इतना गंदा, और ये जो छी इतना। लेकिन ठंडक है, मजबूरी है, मेरे पास कोई बिस्तरा भी नहीं है इसलिए इसको यूज करना पड़ रहा है। और एकदम स्मेल, अजीब सा स्मेल आ रहा, जैसे लग रहा कितने दिन से दरवाज़ा बंद था। तो कई जगह ढूंढे नहीं मिल रहा था और जो मिल भी रहा था काफ़ी महंगे मिल रहे थे। तो फिर अब यात्रा कर रहे हैं और इस तरह से होटल लेकर लेकर के हम रुकेंगे तो फिर कल्याण हो जाएगा हमारा, तो सब कुछ देखते हुए करना है। और इसका रेट बताएंगे तो हम लोग कहेंगे तो भैया ये नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा, छोड़िए हटाइए जाने दीजिए। कई जगह गए होटल देखने, तो यहाँ पे जो ब्रोकर होते हैं हर जगह ब्रोकर लग जाते हैं, जहाँ 500-700 में रूम मिलना चाहिए वहाँ पे 1500-2000 ऐसे करके रूम। हमको रात ही काटनी है, बितानी थी, तो हमने सोचा VIP ले करके क्या मतलब है, तो भैया अब चलते हैं सोते हैं। वीडियो लगभग एडिट हो गया है, लास्ट क्लिप है, और जब आप वीडियो आप देख रहे होंगे तो एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, एक नहीं दो चार कमेंट ठोक दीजिए, थोड़ा उससे हौसला मिलेगा हमको भी यहाँ पे, ताकि यात्रा का वीडियो अच्छे से बना पाएं। थोड़ा सा जब कमेंट अच्छा आ जाता ना तो अंदर से जो फीलिंग होती है समझ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी यात्रा।